मैडम मैं जब 66 रुपये लीटर तेल था ना, हम बहुत खुश थे। जब 66 रुपये लीटर तेल था ना, बहुत खुशहाल थे, हमारे घर ये वो सब कुछ हम खुशहाल थे। अब ये तेल जो 290 रुपये है या 80 रुपये है, हम यकीन माने कि रोटी अपनी जो अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं। समझ रहे कि हमें 10 रुपये भी नहीं, अगर मैं घर जाऊँ ना 3000 रुपये भी लेके जाऊँ ना, तो सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो मेरे पास 10 रुपये नहीं होते। ये जाते हैं सारे पैसे। 68 रुपये लीटर तेल था ना, तो हम खुशहाल थे। कब था ये तेल इतने पैसों में? आप के दो रुपये। आज से कितने साल पहले? तकरीबन मेरे साथ 12-13 साल पहले की बात है। आपको लगता है कि वो दौर हुकूमत थोड़ा बेहतर था? मैं यंग था तो मैंने शुरू ही किया था रिक्शा, तो वो तो 68 रुपये लीटर तेल था, तो हम बहुत खुशहाल थे। इसकी दिहाड़ी पता कितनी थी? 120 रुपये। अब इसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है। आपने देने ही है, वो आपकी कमाई हो या ना हो। मेरे मुझे अगर सवारी मिले या ना मिले, मैंने इसकी 1000 रुपये दिहाड़ी लाजमी देनी। अगर मैं ना दूँ, 2-3 दिन मैं ना दूंगा, वो मालिक रिक्शा मुझसे छीन लेगा। रिक्शा भी आपका अपना नहीं है? नहीं, अपना नहीं। ठीक है भाई, 30-35 हज़ार में तो गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में, तो क्या करेगी गरीब आवाम, किसके पास जाके रोएगी, किसको अपने दुख सुनाएगी? हम तो ये देखें, आप आए हैं ना, इसके अलावा भी मैडम वो दो दिन मतलब इधर भी आई हैं, हमने अपना सारा लीव बताया है कि हम तो मजबूर हैं, क्या करें? जब हम हमारे बच्चे भूखे बनेंगे तो हम तो फिर गलत काम जाएंगे, हम कौन से लूले लंगड़े हैं या कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे बच्चे हम देखेंगे भूखे हैं, तो हमने गलत काम करने का ना मैडम, ये फिर सही होना है। अगर महंगाई में थोड़ी सी कमी हो, आटा चीनी की वगैरह ये वो उसमें कमी हो, और बिजली के बिलों में या गैस के बिलों में कमी हो, हमें भी खुशहाली हो कि हमने 400 रुपये बिल आता था पानी का, मुझे अच्छी भली ठीक है होश है, 400 रुपये बिल होता था पर हेड पानी का। अब उसका पानी का भी कोई पता नहीं है कितना आ रहा है, गैस का भी पर हेड होता था उसका भी पता नहीं है कितना आ रहा है। बिजली पानी गैस आए ना आए, लेकिन बिल बाकायदगी से आए, बाकायदगी से आ रहा है। अब 12000 रुपया मैंने मुझे सोच नहीं है कि हमने कैसे किया, मैं ना एसी है ना कूलर है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक फ्रिज है, एक डोंगी पंप है और 2 बल्ब चलते हैं, मैं और मेरी वालदा, मेरे वालद और मेरे 3 बच्चे हैं बस। तो भाई 12000 बिल आ गया, आपने दिखाया नहीं कि इतना बिल क्यों आया? वो कह रहे भाई हमने उतारा नहीं, तो हम उतार के ले जाएंगे, अगर आपने ना उतारा तो हम आपका मीटर काट लेंगे। किस इलाके में रहते हैं? ये साथ ही है सामने भगवान। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? मैडम नहीं हो सकते। आप खुश नहीं है 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी? नहीं, मैं खुश नहीं। किस तरह गरीब आवाम खुश हो सकती है, क्या रिलीफ चाहिए, आप क्या चाहते हैं? रिलीफ ये हो, ठीक है उन्होंने रोटी वगैरह ये वो सस्ती वगैरह कर रहे हैं, ये खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, मैं इनके पे एग्री हूँ। लेकिन ये जो बिजली के बिल है ना, ये गैस का बिल, ये 12 रुपये में मैडम कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर कह रही हैं ना कि 12 रुपये में आप अपना घर, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये चिंगची रिक्शा ड्राइवर, ये बंद रिक्शा ड्राइवर, इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये सब फेल है। ये बड़ी गाड़ियों के लिए है जो जिन्होंने कराया 100 रुपये, 200 रुपये, 300, 500 बढ़ाना है। हम 5 रुपये कहेंगे ना, सवारी किसी और रिक्शे पर बैठ जाएगी, वो जो बंद उधर उनका स्टैंड है वो उधर बैठ जाती है, चाहे आप 200 रुपये बढ़ाएंगे ना तो वो उधर बैठेगी। हमारे भी रिलीफ हमें ये कोई नहीं, आप चाहे 200 रुपये, 100 रुपये भी कम हो जाएगा ना तो मेरे को रिलीफ नहीं मिलना।